हार देते हो आप लोग जबरदस्ती कर अपनी गलतियों से। ये इसकी ये जो आपने तोप दिया बोरा से या बिछैया दाब दे इसी बुझा लोगे आप? गैस बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। इसको जब तोप दोगे ये जलेगा और जलने के बाद इसी की परत जो है इसको हीट करेगी। जब इसकी और यहाँ पर लगा होता है नॉन रिटर्निंग वाल्व, रबड़ की शीट होती है जो एक स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर नीचे जाता है। जब हम उसको रेगुलेटर के माध्यम से पुश करते हैं तो स्प्रिंग के माध्यम से जैसे ऊपर करते हैं स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर आ जाता है, गैस चालू, ठीक है, गैस चालू हो जाती है, नीचे बंद करते खोलते ये सिस्टम होता है। अच्छा, जब इसमें नॉन रिटर्निंग वाल्व जब पिघल जाता है जगह, जब तक गैस इसमें सिलेंडर में गैस सिलेंडर वो फटता कब है? जब इसमें गैस रह जाएगी थोड़ी मात्रा में रह जाएगी और जब रबड़ शीट हमारी अब पिघल जाएगी और उसको आग को घुसने की जगह मिल जाएगी तब आग घुसेगी इस आगे इसमें, और जब थोड़ी वो जब गैस होगी तब इसको एकदम से फड़ा देंगे, ठीक है। सिलेंडर से डरने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब हम जो है दूर दूर खड़े हैं और ये सब हाँ फट रहा अब फट रहा अब फट रहा नहीं, सही बात है, ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा सिलेंडर, फटेगा आपकी गलतियों से। कभी भी सिलेंडर को आप लोगों को डेमो करके स्कूल में हम बताने आए थे, हम बता रहे थे, बच्चों ने देखा होगा इस सिलेंडर को सबसे। और दूसरी बात यह है कि जैसे सिलेंडर में वो आग लगी किचन वगैरह में तो सिलेंडर को इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं कभी भी, क्यों? उसका कारण है कि जैसे यहाँ से आग जल रही है इसमें से रबड़ शीट से, या तो हमारी ये साइड गर्म होने लगी, जब ये साइड जब गर्म होती है रबड़ तो रबड़ है, रबड़ तो उसको पिघला देगी, जब ये हीट हो जाएगी तो उसके घुसने की आग घुसने के चांस बन जाएंगे। तो हमको सिलेंडर को पहले तो नीचे गिराना नहीं है, दूसरा बोरा फट्टी दरी गद्दा इससे दाबना फूकना नहीं है। बहुत से लोगों ने कल एक सिलेंडर में आपके संथर में गए थे तताउली डाला, एक पहले तो नहीं बिछैया से तोप दिया, फिर एक ट्राली घर में अंदर छप्पर में उन्होंने एक ट्राली मोहरम से तोप डाला और पूरी मोहरम में रिस रिस के गैस तो गैस में निकल के आ रही है, पूरी भकभक 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 जल रही है। तो बताओ मतलब कैसी मतलब समस्याएं बढ़ा देते हो आप लोग।